कानपुर के चकेरी में छेड़खानी पीड़ित की मां की घर में घुसकर पीट पीट कर हत्या। बेल पर छूटे आरोपियों पर हत्या करने का है आरोप। 10 आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर रोडवेज में गई कार ड्राइवर की जान। ट्रक रुकवाने की कोशिश करने पर ड्राइवर ने चढ़ाया ट्रक। युवक की मौके पर मौत। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने निर्भया के दोषियों की फांसी का किया विरोध। कहा, मैं निर्भया की मां के साथ, लेकिन मौत की सजा के खिलाफ सोनिया गांधी की भी मिसाल। गुनहगारों को माफ करने की अपील पर भड़की निर्भया की मां। इंदिरा जयसिंह की सोच पर उठाए सवाल। कहा, इन्हीं महिलाओं की वजह से बच्चियों से हो रहे हैं रेप। निर्भया केस के चारों दोषियों के लिए नया डेथ वारंट। अब 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाए जाएंगे चारों दोषी। 22 जनवरी की फांसी टली। निर्भया के दोषियों का डेथ वारंट जारी होने के बाद अब गुड़िया के गुनहगारों की बारी। 5 साल की बच्ची से गैंगरेप पर आज फैसला सुनाएगी दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट। दिल्ली में 2013 में हुई की वारदात। दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे धरने पर हाईकोर्ट का आदेश। जनहित का ख्याल रखते हुए पुलिस खाली कराए सड़क। कानून व्यवस्था खराब ना हो इसका भी रखे ध्यान। सीए के विरोध में लखनऊ के घंटाघर पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं को समझाने पहुंचे ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा। महिलाओं से धरना रोकने की अपील की। आज गृह मंत्री अमित शाह का कर्नाटक दौरा। बेंगलुरु में विधान भारती के कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीए के समर्थन में रैली को करेंगे संबोधित। सीए के समर्थन में वाराणसी में बीजेपी की रैली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सीएम योगी होंगे शामिल। सीए के समर्थन में वडोदरा में लोगों ने लिखे 40,000 पोस्ट कार्ड। सभी पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री मोदी को किए गए पोस्ट। रैली का भी आयोजन। आज से केंद्रीय मंत्रियों का जम्मू कश्मीर दौरा शुरू। प्रधानमंत्री मोदी का निर्देश, सिर्फ शहरी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि गांवों में भी विकास का पहुंचाएं संदेश। 24 जनवरी तक 36 मंत्री घाटी के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का सरकार पर गंभीर आरोप। बोले, कश्मीर में इतना बुरा समय आज तक नहीं देखा गया। सावरकर को भारत रत्न के कांग्रेस विरोध पर शिवसेना का पलटवार। संजय राउत ने कहा, विरोध करने वालों को अंडमान निकाल कोठरी में 2-2 दिन रखना चाहिए, चाहे कोई भी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हिंदुत्व भारत की पहचान। 130 करोड़ जनता पर उसी संस्कृति का प्रभाव। भारत के बाहर कहीं और ऐसी विचारधारा नहीं है। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के अपहरण के मामले में भारत का रुख सख्त। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के वरिष्ठ अधिकारी तलब। 14 जनवरी को 2 और 15 जनवरी को 1 हिंदू लड़की की गई थी अगवा। अयोध्या के मैन धर्मदास का राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान। बोले, ट्रस्ट में अखाड़ा परिषद की होगी भूमिका। बिना अखाड़े के नहीं होगा मंदिर के मॉडल का निर्णय। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, केरल ने उन्हें चुनकर विनाशकारी काम किया। उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने के लिए आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। चुनाव प्रचार के लिए गाना लॉन्च। कल बीजेपी ने 57 उम्मीदवारों का किया था ऐलान। नई दिल्ली से सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने नहीं की उम्मीदवार की घोषणा। पटपड़गंज से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ रवि नेगी बीजेपी प्रत्याशी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एनएसए के तहत मिला किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जारी की अधिसूचना। राहुल गांधी के बाद देवेंद्र सिंह का केस एनआईए को सौंपे जाने पर दिग्विजय सिंह ने भी उठाए सवाल। कहा, निलंबित डीएसपी को बचाने के लिए जांच एजेंसी को दिया गया केस। 26 जनवरी तक कुछ घंटे नो फ्लाइंग जोन रहेगा दिल्ली एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं बंद रहेंगी। पाकिस्तान के सिंध में फिर उठी आजादी की मांग। हजारों लोगों ने सिंधी नेता का जन्मदिन मनाया।